हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फिजिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिनमें लगभग आपके 30 प्रश्न इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न हैं, जो आगामी 2022 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, एन इनर्शियल फ्रेम इज ए मूविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए रेस्ट। ऑप्शन बी है एक्सीलरेटेड, ऑप्शन सी है डी एक्सीलरेटेड, और डी है मे बी एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड। दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आपको चूज करके इसका आंसर टिक करना है। इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या हो जाएगा, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन आप तक प्राप्त हो सके। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के, यानी आप फिजिक्स फिजिक्स की तो आपकी क्लास चल ही रही है, और जल्द ही केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की भी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर यानी एस पी स्टडी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और लगभग आज की इस वीडियो से आपके 30 प्रश्न, आपके 30 जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व होंगे, जिनमें लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जाइएगा, और ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी किस प्रकार के, यानी आपसे जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करा दीजिए, और उसके बाद में चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू करा दीजिए। यानी चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू कराने से आपको ये होगा कि आपके उस चैप्टर से सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये कृष्णा पब्लिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चनों का डिस्कशन है, जिनमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं और 30 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे ही जाने हैं, यानी 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, अर्थ इज, अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी अर्थ क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है या एक्चुअल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिक्टिस फोर्स है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्चुअल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक्चुअल फोर्स है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए सर्कुलर मोशन ए बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए रेडिकल आउटवर्ड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड। यानी कि एक सर्कुलर मोशन में ए बॉडी क्या है, एक्सपीरियंस में है, और उसमें रेडिकल आउटवर्ड डायरेक्शन, और यह क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्टिकल रिवॉल्व्स ए सर्कुलर पाथ द एक्सीलरेशन इज पार्टिकल इज। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए है अलोंग द रेडियस, बी है अलोंग द टेंजेंट, सी है अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और डी है जीरो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलोंग द रेडिकल्स। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्टोन टाइड ए पीस ऑफ स्ट्रिंग विद द वायर लेड इन ए विक्टर सर्कल, यानी ए वर्टिकल सर्किल में, इन व्हाट पोजीशन द टेंशन इज स्ट्रिंग इज मैक्सिमम। क्वेश्चन को आप लोग समझ जाएंगे, क्वेश्चन को आप समझने के प्रयास करेंगे। एक स्टोन क्या हुआ है, ए स्टोन टाइड ऑफ ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इन वायरलेट इन ए वर्टिकल सर्किल में, एक वर्टिकल सर्किल में एक स्टोन बना हुआ है, और इसकी पोजीशन क्या है, टेंशन में है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम, यानी टेंशन स्ट्रिंग मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इसका इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट फॉलो ए कर्व्ड पाथ, एन ऑब्जेक्ट फॉलो ए कर्व्ड पाथ द फॉलोइंग क्वांटिटी में बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट फॉलो सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को देना है। इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड। देखिए चार ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसको आपको चूज करके लिखना है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड, बी है वेलोसिटी, सी है एक्सीलरेशन और डी है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। इस पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीड। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए चैन इज हेल्ड ए फ्रिक्शनलेस टेबल, ए चैन इज हेल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल वन अपॉन एन ऑफ इट्स लेंथ, हैंगिंग ओवर द इट्स इन द चैन है द लेंथ एल एंड मास एम है। यानी इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और उसका मास क्या है, एम है। मास को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। देन द वर्क ऑफ रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ टेबल। चलिए इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, इनमें चूज करना है कि एक इस इक्वेशन का यानी इस प्रश्न का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये न्यूमेरिकल दिया गया है। इस न्यूमेरिकल को आपको लगाना है और इसका आंसर करना है। चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं आपको। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम जी एल अपान एन स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन। यानी मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर कंजर्व होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर कंजर्व होती है वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, या बी है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, या नन ऑफ दीज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2019 में ये प्रश्न आ चुका है अवध यूनिवर्सिटी में। द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होंगे वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी सिस्टम इज जीरो देन द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी कंजर्व्ड। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए है लीनियर मोमेंटम, बी है एंगुलर मोमेंटम, सी है काइनेटिक एनर्जी और डी है पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रश्न का जवाब आप सबको देना है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड में। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लीनियर मोमेंटम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न दिए गए हैं जो लगाने के बाद ही सॉल्व होंगे। दोस्तों इस यानी फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर में दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं उन पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे और आप सबको उसका क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा, यानी एमसीक्यू में किस प्रकार से सॉल्व करना है, जब भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे उसका यूज करेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी विधि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी एक वीडियो में हम एमसीक्यू करवा देंगे न्यूमेरिकल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी गिवन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइनस डेल यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी गिवन इन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कंजर्वेटिव फोर्स क्या देता है, माइनस डेल यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेसड एट, इक्वेशन आपको इसको देखना है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेसड एट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल इंटू वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो। यानी ऑप्शन सी सही है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज ए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, तो आप इस प्रश्न को यानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग आपके कृष्णा पब्लिकेशन से
15 क्वेश्चनों का यानी 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया गया है, जिनमें से 20 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बड़ी आसानी से 20 प्रश्न फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बीएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू हैं, पेपर का डिस्कशन है, वो सब आप तक प्राप्त हो सके। बीएससी से रिलेटेड यानी जो मैथ से है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैथ की क्लास अभी नहीं स्टार्ट हुई है और मैथ की क्लास जल्द ही यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होगी, यानी एसपी स्टडी पॉइंट पर स्टार्ट होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज ए। इस प्रश्न का जवाब देना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद इन आउटसाइड। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज एट विथ इन और आउटसाइड। इस प्रश्न का जवाब क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन। देखिए, अदर यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए जाने लगे हैं एग्ज़ाम में। जो पहले सब्जेक्टिव होता था वो अब ऑब्जेक्टिव होने लगा है, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटी करा रही हैं अपना पेपर, फर्स्ट ईयर का पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में। जैसे कि मेरठ यूनिवर्सिटी में भी EMCQ क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनमें OMR CET द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उन सब के लिए सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आप लोग पहले बुक से इस सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप डेली MCQ प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिए। दोस्तों, कल से इस चैनल पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी हर दिन आपको पेपर एक यानी पेपर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड डेली हर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसको आपको डेली देखना है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, यानी क्वेश्चन यानी गलत करने का चांस कम हो सके एग्ज़ाम में। 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, और जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या हो जाएगा, 10 सेकंड आपके बीत चुके हैं और आप सबका आंसर अभी नहीं आया है, जल्दी से आप आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन दिस पॉइंट दिस फील्ड इज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव फोर्स। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव फोर्स। दोस्तों, इस वीडियो का आपको PDF भी मिलेगा, और जल्द ही हम टेलीग्राम चैनल पर PDF उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इज ट्रांसपेरेटिंग मास ऑफ वन पॉइंट इज अनदर। प्रश्न को आप ढंग से पढ़ेंगे एग्ज़ाम में, जब भी प्रश्न आप करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया जाएगा। कल से आपका जो वीडियो होगा वो दोनों मोड में होगा, यानी एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश में होगा, ताकि कि आपके समझ में आ सके। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं और जिनको प्रश्न समझ में नहीं आता है, यानी फर्स्ट ईयर में प्रश्न को तुरंत सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन सब के लिए एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। यानी पेपर के मोड में ही MCQ कराए जाएंगे, कि प्रैक्टिस सेट आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इन ए ट्रांसपरेटिंग मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द एंड पोजीशन, बी है डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देन, सी है डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, और डी है नन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिपेंड्स ऑन ए एंड पोजीशन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इफ़ कैपिटल यू इज पोटेंशियल एनर्जी देन कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जा रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स किस प्रकार से है, यानी इसका इक्वेशन किस प्रकार से होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस डेल यू। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस वेक्टर डेल यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्ट्राइक यम वन लॉन्ग टू मास ऑफ 14 ग्राम इज प्रोजेक्टेड टू वन एंड ऑफ द डिस्प्लेसन थ्रो एंड एंगल 60 डिग्री टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है और ये न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इस प्रश्न को आप लोग जरूर लगाएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन ए हेल्ड ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, इन ए हेल्ड ऑफ इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में टू बॉडीज़ के इक्वल मास क्या होंगे। ऑप्शन ए है द स्पीड ऑफ इंटरचेंज, बी है इन ए वेक्टर्स ऑफ इंटरचेंज, सी है द मोमेंटा आर इंटरचेंज और डी है ए बी सी दोनों। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन एन इलास्टिक कोलिजन, यानी एक इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व होती है, या लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व या लीनियर मोमेंटम डज नॉट कंजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत टिपिकल भी प्रश्न है, आप लोग को इसका जवाब देना ही चाहिए क्वेश्चन नंबर 22 का। और मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ऑप्शन नंबर बी लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ये प्रश्न संदिग्ध है और जिस भी स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब पता है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या लीनियर मोमेंटम डज नॉट कंजर्व, या दोनों होगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है और हमें आशा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एन इलास्टिक कोलिजन। अब प्रश्न दोनों एक ही है लेकिन इसके ऑप्शन जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बी है द टोटल एनर्जी इज कंजर्व, सी है द पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व और डी है ए बी सी दोनों। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए इन इलास्टिक कोलिजन पूछा गया था और यहाँ पर यहाँ पर क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, प्रश्न में को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इलास्टिक कोलिजन और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 में यानी इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टोटल एनर्जी केवल कंजर्व होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24 है ए लाइटर बॉडी मास m1 एंड वेलोसिटी b1 एंड ए हाइगर बॉडी मास m2 एंड वेलोसिटी क्या है b2 हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यानी एक लाइटर बॉडी में मास कितना दिया गया है m1 और वेलोसिटी b1 दिया गया है, और हाइगर बॉडी में क्या दिया गया है, एक हाइगर बॉडी में क्या है मास m2 दिया गया है और वेलोसिटी b2 दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा या काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन किस प्रकार से बनेगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न में हो जाएगा m1 b1 इज लेस देन m2 b2। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा m1 b1 इज लेस देन m2 b2। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, m1 b1 लेस देन m2 b2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज। यानी जब एक काइनेटिक एनर्जी में बॉडी इंक्रीज की जाती है, कितना इंक्रीज की जा रही है 300%, तो उस समय मोमेंटम बॉडी का मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। इस प्रश्न का सही जवाब देना है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%, यानी 100% उस बॉडी की यानी मोमेंटम कितना बढ़ेगा, 100% इंक्रीज होगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग
न्यूमेरिकल के लिए मत परेशान होइए। और न्यूमेरिकल के प्रश्न लगभग 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चनों में से 5 प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। और MCQ न्यूमेरिकल पे भी करवा देंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे उनको हम आपको बता देंगे कि कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर के प्रश्न MCQ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें एक दिया गया था, क्वांटिटी हुज स्क्वायर व्हेन द मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास ऑफ द ए बॉडी गिवन ए मोमेंटम इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस इज नोन एज। देखिए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कशन करेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, तो आप धैर्य बनाए रखिएगा और परेशान तो बिल्कुल मत होइए क्योंकि SPSD पॉइंट के साथ आप जुड़ चुके हैं और अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है आपको आपके विषय से संबंधित आप लोग कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, जल्दी ही लाइव क्लास आपके लिए प्रारंभ होगी और इस चैनल पर MCQ यानी सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन कराया जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्वेश्चन। देखिए इससे आपका क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 15 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत और इसको पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए क्योंकि ये कृष्णा पब्लिकेशन बुक का MCQ है जिनमें से लगभग हमने आज 50 क्वेश्चनों को चूज किया है और इनमें से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे यानी आने वाले एग्ज़ाम 2022 में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, बी है 1/2 एल स्क्वायर / आई, और सी नंबर दिया गया है ए एंड बी दोनों या नन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों यानी 1/2 ओमेगा स्क्वायर और 1/2 एल स्क्वायर / आई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यानी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बॉडी में क्या हो जाती है, 1/2 ओमेगा प्लस 1/2 एल स्क्वायर / आई। चलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए बॉडी रोलिंग डाउन एंड द इंक्लिनेड प्लेन द बॉडी एक्सीलरेटेड इन टाइम ऑफ डिसेंट डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको करना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोमेंटम ऑफ इनर्सिया। ए बॉडी रोलिंग डाउन इन क्लीनेड प्लेन द वेलोसिटी एक्सीलरेटेड एंड टाइम आउट डिसेंड डिपेंड अपॉन मोमेंटम ऑफ इनर्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोमेंटम ऑफ इनर्सिया। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे आप लोग, अकॉर्डिंग टू द थर्मल ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्सिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ ए मोमेंटम ऑफ इनर्सिया इक्वेशन आपको बताना है कि पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया का थ्योरम क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है कैपिटल I=MC² ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है IZ=IY+IX ये दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिया गया है ICM=1I+MX² और डी दिया गया है नन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए I=ICM+MX² क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, I=ICM+MX². चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी डी यानी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। मे बी पास थ्रू ए सेंट्रल मास यानी पास यानी सेंट्रल मास के द्वारा भी पास हो सकता है, एक एक्सिस ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी क्या हो सकता है कि वो सेंट्रल मास के द्वारा भी पास हो सकता है और पार्टिकल यानी एक बॉडी के पार्टिकल द्वारा ए बॉडी मे बी पास थ्रू ए पार्टिकल बॉडी यानी बॉडी के थ्रू भी एक बॉडी पार्टिकल के थ्रू भी ये क्या हो सकता है पास हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और
सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया है ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ काइनेटिक एनर्जी ई विथ मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू सो दैट द स्पेस व्हेन द अर्थ इज। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैपिटल ई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दो है व्हाट द रिमेंस कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स। व्हाट द रिमेंस कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी, बी है काइनेटिक एनर्जी और डी है एंगुलर मोमेंटम, डी और डी है नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम। यानी कि सेंट्रल फोर्स के द्वारा रिमेंस कांस्टेंट क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है एंगुलर मोमेंटम। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन है ए मिसाइल लॉन्च विद वेलोसिटी लेस। ए मिसाइल लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है माइनस यानी पॉजिटिव होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। और पॉजिटिव क्या होगा इसमें, पॉजिटिव क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निगेटिव। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरी दैट। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या ज़रूरी है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है रिस्टोरिंग फोर्स इन लीनियर, बी दिया गया है डायरेक्शन ऑफ रिजॉल्विंग फोर्स इज अपोजिट इन द डिस्प्लेसमेंट और सी दिया गया है बोथ ए एंड बी। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरी दैट रिजॉल्विंग फोर्स इन लीनियर द डायरेक्शन ऑफ रिजॉल्विंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही रिक्वायर्ड हो जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अगर आपको प्रश्न में कहीं भी ए एंड बी बोथ लगा हुआ है तो आप ज़रूर टिक करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ए और बी सही ही रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा या डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी एक से लेकर के तीन चार और पाँच नंबर के प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। लगभग दो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया है इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा कि एवरी हुयर या नन ऑफ हुयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर चार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज काइनेटिक एनर्जी एट। इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और इनका प्रैक्टिस आप बार बार करिएगा। क्वेश्चन नंबर चार दिया गया है, यानी सिंपल हार्मोनिक चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश यही करिएगा कि लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप एस पी स्टडी पॉइंट से जुड़िए ताकि प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर देंगे आप लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब
मैक्सिमम होगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त हो सके, और प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।